आज जो है क्लास 9th है, उससे रिलेटेड टॉपिक है आपका मोशन। और मोशन जो चैप्टर है वो फिजिक्स से रिलेटेड रहा है और क्लास 9th से है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे मोशन क्या होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन व्हेन टाइम, वी कैन से दैट बॉडी इज वेस्ट। आपको क्या लग रहा है कि जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का टाइम के अकॉर्डिंग किसी तरह का चेंज नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, आराम में है, रेस्ट में है। व्हाइल इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम, इट्स सेड टू बी द मोशन, बी इन द मोशन। क्या समझ में आया आपको कि जब टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी में यदि किसी तरह का चेंज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, टाइम के अकॉर्डिंग यदि बॉडी में कुछ हलचल होती है तो एक मोशन का ही काम करती है, वहां पर ये डेफिनेशन ऑफ मोशन की कहलाती है। अब इसमें हम आगे आते हैं तो आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर देखिए तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टाइम क्या होता, जो है मोशन क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो मोशन होता है वो उसके तीन टाइप्स हैं। पहला टाइप है वन डायमेंशन मोशन, इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यदि कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सीधी सीधी तरीके से सीधी लाइन में यदि वो मूव करता है तो उसे हम लोग वन डायमेंशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है टू डायमेंशनल मोशन, यदि कोई पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ इन अ प्लेन, किसी प्लेन में कर्व पाथ में कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसे हम डायमेंशन कहते हैं, सेकेंड डायमेंशन, या इसको टू डायमेंशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन थर्ड वाली जो सिचुएशन होती है वो इससे डिफरेंट होती है, पार्टिकल मूविंग रेंडमली इन अ स्पेस हैज अ थ्री डायमेंशनल मोशन। सिंपल सी बात है, किसी स्पेस में कोई पार्टिकल मूव करेगा रेंडमली तो कहलाता है 3D कहलाएगा, या थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अब ये थ्री डायमेंशनल मोशन जो होगा, इन तीनों को हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन वन डायमेंशन की हो जाती, किसी प्लेन के अंदर जो कोई मूव करेगा तो कहलाएगा आपका जो है 2D कहलाएगा, और लास्ट जो है आपका थ्री डायमेंशन, मतलब कोई पार्टिकल जो मूव करेगा वो कहाँ, स्पेस में करेगा तो उसे हम कहेंगे थ्री डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई घर के अंदर किसी रूम के अंदर कोई चींटी या कीड़ा कोई भी चीज़ हो, इंसेक्ट हो, वो क्या करेगा, घूमता है उस प्लेन के अंदर तो क्या कहलाएगा आपका 2D डायमेंशन कहलाता है। लेकिन एक बटरफ्लाई आकाश में जिस तरह से घूमती है रैंडमली तो 3D मोशन कहलाता है। अब हम आगे की ओर आते हैं तो आता है स्टेट के हिसाब से जो मोशन है वो किस तरह का होता है। तो पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म से मतलब समझ में आ ही जाता है आपको कि कोई भी चीज़ का एक जैसी चल रही है। अ बॉडी सेड टू बी स्टेट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। कोई बॉडी यूनिफॉर्मली स्टेट मोशन कहलाती है यदि वह ट्रेवल करेगा का एक इक्वल टाइम इंटरवल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसको आगे भी देखें तो इफ द टाइम डिस्टेंस ग्राफ इन ए स्ट्रेट लाइन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली। यदि टाइम और डिस्टेंस के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो हमको क्या मिलेगा, यदि स्ट्रेट लाइन मिलती है तो हम क्या बोलेंगे कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली मोशन है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम फ्रीली फॉलोइंग बॉडी। सिंपल सी बात, एग्जांपल आपके पास समझ में आ ही गया है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगी, वहां पर ना तो आपके पास इंटरवल इक्वल होगा और ना डिस्टेंस इक्वल होगी। या इसको हम जो समझे इन इन इसको यूं भी समझ सकते हैं, इफ इट इज इंटरवल अनइक्वल होगा और डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल। कैसे समझ में आई आपको कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस है, मालूम पड़ा कि किसी नॉन यूनिफॉर्म के अंदर देखें कि हमको 10 मीटर की डिस्टेंस हमने 2 सेकंड में कंप्लीट करी और अगली 10 मीटर की जो डिस्टेंस है हमने 4 मिनट में कंप्लीट करी तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल है लेकिन वहाँ पर जो टाइमिंग जो इंटरवल है वो आपका बिल्कुल अलग अलग हो गया, क्योंकि पहले इंटरवल 2 का था फिर आपका इंटरवल बढ़ के कितना हो गया
चार हो गया, फिर इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो इट्स टाइप्स मोशन इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। नाउ अब देखें हम कि यदि इसके बीच में टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचें तो कर्व टाइप बनता है। यहाँ पर आपको नॉन यूनिफॉर्म वाली कंडीशन लग रही है, जबकि यूनिफॉर्म में हमने देखा है कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है आपको ग्राफ खींचने के बीच, किसके बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो स्टेट ऑफ मोशन की हमने बात करी है, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन देखा है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा है। अब हम आते हैं आगे की ओर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगी ये देखेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहला है द पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल। किसी भी पाथ की लंबाई उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो होगी डिस्टेंस कहलाती है। मतलब कोई भी दो पार्ट है, यहां से सपोज एक जीरो पॉइंट से कोई गाड़ी स्टार्ट होती तो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, और मालूम पड़ा कि 10 मीटर जाने के बाद में उसकी फाइनल पोजीशन पर जाके वो रुक जाती है तो फाइनल पोजीशन कहलाती है। तो जीरो से लेके 10 मतलब आपका 10 मीटर की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वही आपकी डिस्टेंस कहलाती है। तो हम फिर से समझे, द पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल। अब द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। किसी भी डिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल पोजिशन में किसी टाइम के अकॉर्डिंग जो इंटरवल होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वह मिनिमम डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में एक फिक्स ड्यूरेशन टाइम के इंटरवल के अंदर आती है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इन दोनों को यदि मैथमेटिकली हम आगे की ओर देखेंगे कि किस तरह से होगी। अब यहाँ पर अब देखते हैं कि इसकी एमकेएस यूनिट में सिस्टम में जो होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो मेजरिंग होती है वो मीटर में की जाती है। और अब आप आते हैं इन दोनों में डिफरेंस में, किस किस के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। व्हेन अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली मूव इन अ सेम स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन देन डिस्प्लेसमेंट विल बी द इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। जब कोई बॉडी कंटिन्यूअसली मूव करती है सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम डायरेक्शन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के। लेकिन यदि बॉडी में बार बार उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, मूविंग में चेंजेस आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस ट्रेवल के। तो आपके पास दिख ही रहा है डिस्प्लेसमेंट इन एनी इंटरवल ऑफ अ टाइम में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हम आते हैं स्पीड पर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑफ अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी बॉडी द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर तो हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। व्हेन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन द स्पीड इज डिनोटेड बाय द वेलोसिटी। लेकिन जब पोजिशन ऑफ बॉडी क्या है, चेंज होती है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने स्पीड को हम कैसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, या हम इसे भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। जब उसके डिस्प्लेसमेंट में किसी तरह का चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। अब स्पीड और जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस में जो है जितना कवर अप करता है, जो बॉडी ट्रेवलिंग करती है एक यूनिट टाइम के अंदर, वो उसकी स्पीड कहलाती है। जबकि वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इनकी एमकेएस यूनिट जो होती है दोनों की वो मीटर पर सेकंड होती है, और सीजीएस जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। अब टाइप्स जो होते हैं स्पीड के, पहला है इसमें एवरेज है, एवरेज स्पीड, स्पीड और एंड एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे। इट ऑब्टेन बाय द डिवाइड ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम इंटरवल, जो आपके पास दे रखा। एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर,
और एवरेज वेलोसिटी है वो, जनरली यहाँ गलत लिखा हुआ है, एवरेज वेलो स्पीड है एंड एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इट इज ऑब्टेन बाय द डिवाइड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इस एवरेज स्पीड क्या होगी, जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जब डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज जो है वेलोसिटी आपकी कहलाएगी। एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एवरेज वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली चीज चलेगी। कैसे चलेगी, इफ एन ऑब्जेक्ट ही कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, देन स्पीड ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन बॉडी इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म स्पीड। जब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्मली स्पीड कहेंगे। यदि इन दोनों के बीच स्पीड और टाइम और स्पीड के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ स्पीड ऑफ बॉडी इज अ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, जब बॉडी में कोई चेंज आता है टाइम के अकॉर्डिंग, इट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड कहते हैं। अब आते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन के अंदर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। इट इज अ वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंजेस ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। जब वेलोसिटी में उसकी चेंजेस कुछ आते हैं किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग एसिलेशन कहते हैं। अब एसिलेशन की कंडीशन जो है वो a बराबर v माइनस u अपॉन डी है। अब v माइनस u अपॉन डी से मतलब क्या है, जो यहाँ पर u है वो इनिशियल सिचुएशन होती है, v जो होती है फाइनल सिचुएशन होती है, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ही आपका चेंजेस ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा, और इसमें टाइमिंग आपका t है, तो a बराबर वी अपॉन वी माइनस यू अपॉन टी होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसका जो एसिलेशन होता है इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर पर मीटर सेकंड माइनस टू भी हो सकता है, दोनों चीज़ें कि अपॉन में लिखेंगे तो चीज़ ऊपर जाएगी तो माइनस भी चली जाती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसिलेशन की बात करें हम लोग, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होगा, वही चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज़ में वही यूनिफॉर्म लग रहा है आगे, बाकी ऐसे वही सेम चलता है, एसिलेशन हो स्पीड हो। इफ अ बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ द इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, देन इट इज सेड टू द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एसिलेशन। यदि बॉडी ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज होती है इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल के अकॉर्डिंग ऑफ अ टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एसिलेशन कहते हैं। और जैसे एक मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होगी वो यूनिफॉर्म एसिलेशन का एक एग्जाम्पल्स है। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन के अंदर क्या होगा, एक बॉडी एज अ नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, इफ वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहाँ पर आपका इक्वल अमाउंट था यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन कहेंगे। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन अंडर यूनिफॉर्म एसिलरेशन हम देखेंगे, तो पहला है फर्स्ट इक्वेशन हम देखें इसकी किस तरह से बनती है। इक्वेशन ऑफ मोशन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, यहाँ समझेंगे तो बाकायदा आपको एग्जाम में फ़ायदा रहेगा इससे रिलेटेड। यदि हम किसी बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लें और जो ऑब्जेक्ट का जो एसिलेशन है उसको ए ले लें और जो टाइमिंग है उसको टी ले लें और फाइनल वेलोसिटी को यदि वी लें हम लोग, तो हम जानते हैं कि एसिलेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो चेंज ऑफ द वेलोसिटी में क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो चेंज ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा, टाइम की जगह टी लिखते हैं तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। यदि हम टी का इंटू ए के साथ कर देते हैं तो वी बराबर यू, वी माइनस यू इक्वल ए टी हो जाएगा, तो यदि वी को हम बैक साइड ले जाएंगे तो वी बराबर आपका यू प्लस ए टी आपका हो जाता है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में आती है। नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन जो मोशन की होती है। सपोज किसी बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी यू है और एसिलेशन ए है, टाइमिंग टी है और फाइनल वेलोसिटी वी है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी ऑफ अ टी
और एवरेज वेलोसिटी यदि देखें इन दोनों की, तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे, तो वी प्लस यू अपॉन टी आपकी एवरेज वेलोसिटी आपकी हो जाती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम के। तो देखिए एज बराबर आपका कितना हो गया, वी प्लस यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। अब हम जानते हैं इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो जहां पर वी लिखा है उसकी जगह हमने लिखा यू प्लस ए टी। यू और यू मिलके कितने हो जाएंगे आपके, टू यू हो जाएंगे, टू यू अपॉन ए टी अपॉन टू हो जाएगा। यदि हम टी का अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास होता है टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन टू हो जाएगा। तो हम यदि टू का इंटू एस के साथ कर देंगे, या इसको ऐसे रखें हम लोग अभी फिलहाल के लिए, और यदि इसको अलग अलग डिवाइड करें टू यू टू अपॉइंट टू करेंगे तो यू टू यू टी बचेगा और ए टी स्क्वायर अपॉइंट टू आपका ऐसा का ऐसा बच जाएगा। तो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी एस इक्वल यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन के ऊपर। थर्ड इक्वेशन आप जो मोशन होती है उसके हम अंदर हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब हम जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी एज बराबर क्या होगी, वी यू प्लस वी अपॉन टी, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा पीछे वाली इक्वेशन में, तो इसी चीज़ को हम आगे देखें। और यदि हम जानते हैं कि एज बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, तो वहाँ से हमने टी को रिप्लेस करके टी की वैल्यू निकाली वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए जहाँ पर इस क्वेश्चन में जहाँ टी था उस टी की जगह पर हम लोग इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, और हम जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वी माइनस यू और वी प्लस यू मिलकर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। यदि हम टू ए का इंटू एस के साथ कर देते हैं तो टू ए एस इज इक्वल टू हो जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर जो है थर्ड ऑफ मोशन जो है इस तरह से बनती है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। थैंक यू आपको वॉशिंग करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएँ प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।